सुमन की शादी हरिगढ़ में अशोक के साथ 5 साल पहले हुई थी। अशोक बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। अशोक हर वक्त सुमन को ताने मारता कि शादी के 5 साल बाद भी अभी तक उसने एक भी बच्चे को पैदा नहीं किया। सुमन बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन अशोक सुमन को छोड़कर चला गया और कुछ दिन बाद सुमन को पता चला कि अशोक दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुमन को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख का बोझ लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले से ही बीमार रहती थी, पर बेचारी सुमन के पास कोई भी चारा नहीं था। वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ के घर चली जाती है। सुमन बेटी, तू अचानक क्या हुआ? दामाद जी नहीं आए? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुमन रोने लगती है। उसका दुख देखकर सुमन की माँ सदमे में रहने लगती है। सुमन को एक दो दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुमन बेहोश होकर गिर जाती है। सुमन की माँ बराबर में रहने वाले वैद्य को बुलाकर लाती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। क्या वैद्य जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? सुमन, तू माँ बनने वाली है बेटा, सुना तूने वैद्य जी ने क्या कहा? माँ, अब मैं क्या करूँ? मेरा जीवन एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब इस बच्चे की खुद जिम्मेदारी संभालनी होगी। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुमन के साथ जो भी हुआ गलत हुआ था, वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुमन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उससे काम करने में तकलीफ होती थी, पर उसे अपने बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के होने से सुमन को जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुमन की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुमन की माँ का देहांत हो जाता है। सुमन माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुमन ने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो अपने बेटे सौरभ को भी काम पर साथ ही लेकर जाती थी। एक दिन, सुमन तुम एक छोटे बच्चे को लेकर काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसी की देखभाल में लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। बेटा रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुमन बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो दूध नहीं दूंगा। हाँ एक काम कर, पहले दुकान की अच्छे से साफ सफाई कर दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। बेचारी सुमन लाचार माँ अपने बच्चे के दूध के लिए दुकान की साफ सफाई करने लगती है और साफ सफाई करके अपने बेटे सौरभ को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुमन सो रही थी, अरे उठो उठो, पूरी बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब लोग, अरे जल्दी बाहर आओ। सुमन, ओ सुमन बेटा जल्दी से बाहर आओ, झुग्गियों में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लग गई? कैसे झुग्गी से बाहर निकलूं मैं? मेरा बच्चा मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट लेती हूँ,
ये ठीक रहेगा। सुमन जैसे तैसे सौरभ को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है, तभी एक जली लकड़ी सुमन के चेहरे पर गिर जाती है। सुमन अपनी परवाह किए बिना सौरभ को आग से बचाकर बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुमन का मुंह पूरी तरह बेकार हो चुका था। सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा दिखने में डरावना हो जाता है। पर सुमन इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती, उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचा ली और ऊपर वाले की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दिन बीतने लगते हैं। अब सौरभ स्कूल जाने लगा था और सुमन चाहती थी कि सौरभ पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन, अरे गौरव आ गया तू? एक मिनट रुक, मैं अभी अंदर से नोटबुक लेकर आता हूँ, तब तक तू कमरे में बैठ। नहीं नहीं सौरभ, तू मुझे नोटबुक यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तेरी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती, उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है गौरव। अरे सौरभ, तुम्हारा दोस्त गौरव आया था पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबरा जाता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए थामी नहीं बढ़ता और आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, पता नहीं मेरी किस्मत में ही ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? सौरभ गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुमन रोने लगती है पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। वक्त ने करवट ली और सुमन की मजदूरी मेहनत से सौरभ बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी करने लगा। सुमन को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन बदलने वाले हैं। सौरभ की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुमन को आराम मिल जाएगा और वो बेटे का सुख भी भोग पाएगी। सौरभ अपने ऑफिस की लड़की इंदु, जिससे वो प्यार करता था, शादी कर लेता है। सुमन बेटे की खुशी के सामने कुछ नहीं बोलती। एक दिन सौरभ ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। इंदु अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। मम्मी जी, आज मेरी कुछ सहेलियां लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये डरावना चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बेचारी सुमन कुछ नहीं बोलती। बेचारी उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में इंदु की सहेलियां लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुमन वहां खाना लेकर आती है और जैसे ही इंदु की सहेलियां सुमन को देखती हैं और डर जाती हैं, उसकी चीख निकल जाती है। वो इंदु से कहती है, इतना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। इंदु, इनका चेहरा देखा है? अगर कोई देख ले तो रातों की नींद ही उड़ जाए। अरे ऐसे कैसे, खाना तो खाकर जाओ। नहीं नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि अपना ये मनहूस बदसूरत चेहरा लेकर मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत आना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सौरभ को, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। सौरभ के आने के बाद इंदु तरह तरह की बातें बनाकर सुमन के खिलाफ उसे भड़काती है। सौरभ, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार होगा जब हमारे बच्चे होंगे, और आपके ये बदसूरत चेहरा देखकर शायद वो भी शर्मिंदा होंगे, इसलिए यही सही रहेगा, हम आपसे दूर हो जाएं।
मैं इंदु को लेकर जा रहा हूँ। हम आज से अलग रहेंगे। पर सौरव बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सौरव सुमन की बात को नहीं मानता और इंदु के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुमन सौरव के जाने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। सौरव के बिना जीवन काटना सुमन के लिए एक सजा थी। एक सौरव ही तो था जो उसके जीने की आस थी। सौरव के जाने के बाद सुमन बीमार रहने लगी। इधर सौरव इंदु के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सौरव ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। सुमन सौरव के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की मनोरमा मौसी उसके पास बैठी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तो चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ सुमन? अरे ये तो बेहोश हो गई और तेज बुखार भी है, लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। मनोरमा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुमन को हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहाँ डॉक्टर सुमन का चेकअप करता है, तभी एक नर्स वहाँ आती है। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है, कोई मिस्टर सौरव हैं, उनकी वाइफ मिसेस इंदु उनके साथ हैं। मेरा बच्चा सौरव, डॉक्टर पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सौरव को देखने लगता है। वो इंदु से कहता है, देखिए हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। इंदु रोने लगती है, सुमन उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर इंदु को अपने पास बुलाती है। इंदु रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच भी नहीं आ सकती, तू चिंता मत कर। माँ जी, कहाँ से नया दिल मिलेगा, कौन देगा इतनी जल्दी? अगर सौरव को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ जी। इंदु रोते हुए सौरव के पास चली जाती है। सौरव की तबीयत के बारे में सुनकर सुमन की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी, आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो, मेरे सौरव को बचा लो। डॉक्टर मेरे सौरव को बचा लो। सौरव को होश आ जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, ओह गुड मिस्टर सौरव, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सौरव अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। इंदु मुझे किसने बचाया, मुझे बताओ, मेरी जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। मिस्टर सौरव, जब आपको अस्पताल लाया गया था उस वक्त आपकी माँ अस्पताल में थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने जब आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ जी का है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी को बचाने के लिए, क्यों माँ क्यों? मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। सौरव बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते हो। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जलने का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुमन को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सौरव मनोरमा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। इंदु भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। सुमन ने एक बात ये तो साबित कर ही दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन कभी नहीं चुका सकते।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।